आदरणीय भगवान, रिलायंस के शेयर में बोनस आ चुका है। 2600 का शेयर अभी 1300 के लेवल पर मिल रहा है, फिर भी रिलायंस को खरीदने वालों की संख्या कम है। रिलायंस का शेयर चढ़ नहीं पा रहा है। तो इस बैकग्राउंड में मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप रिलायंस रिफाइनरी के बिजनेस पर फोकस मत कीजिए महोदय। आप देखिए रिलायंस न्यू एनर्जी का कारोबार, उसने फेराडियोन नाम की कंपनी में हिस्सेदारी को बढ़ाकर 100% कर दिया है। ये जो फेराडियोन कंपनी है, ये सोडियम आयन बैटरी बनाती है। ये बैटरी मिलती है लेड एसिड बैटरी के दाम पर, लेकिन लेकिन इसकी परफॉर्मेंस जनाब लिथियम आयन बैटरी जैसी होती है। ये बैटरी ना सिर्फ ऑटोमोबाइल में बल्कि लार्ज स्केल पावर स्टोरेज का काम भी करती है, सस्ते दाम पर भी मिलती है। तो स्वाभाविक है रिलायंस ने ये जो कंपनी खरीद ली है उसके माध्यम से रिलायंस दुनिया की एक दिग्गज सोडियम आयन बैटरी बनाने वाली कंपनी बनने वाली है। रिलायंस न्यू एनर्जी का पूरा कारोबार, जी हाँ पूरा कारोबार, अभी रिलायंस के शेयर के नीचे दबा हुआ है। सबसे पहले अगला डिमर्जर अगर रिलायंस से होगा तो वो रिलायंस न्यू एनर्जी का कारोबार होगा। तो महोदय जरा कल्पना कीजिए, रिलायंस अभी 25 से 30 के प्राइस टू अर्निंग पर मिलती है। क्या रिलायंस न्यू एनर्जी, जो कि न केवल भारत की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी होने वाली है, क्या वो भी 25 से 30 के पी पर मिलेगी? ये आपके लिए सवाल है। तो रिलायंस में भले ही अभी शॉर्ट टर्म में निवेश के मौके ना हो, लेकिन मध्यम से लंबी अवधि में डिमर्जर की थीम जब प्ले आउट होगी तो ना सिर्फ रिलायंस न्यू एनर्जी, जियो, बल्कि रिलायंस रिटेल सबके डिमर्जर होंगे अथवा आईपीओ आएंगे, जिसमें रिलायंस के शेयर होल्डर्स को हो सकता है कोई कोटा भी मिल जाए, डिस्काउंट पर भी शेयर उपलब्ध हो जाएं। तो रिलायंस में भारत की ग्रोथ स्टोरी में निवेश के मौके अभी भी उपलब्ध हैं, सस्ते एवं वाजिब दाम पर उपलब्ध हैं। इसलिए अपने क्लाइंट्स को मैं लगातार रिकमेंड कर रहा हूँ शेयर्स। जाहिर है रिलायंस रिकमेंड मैं इस वीडियो के माध्यम से नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैंने शिक्षात्मक नज़रिए से बनाया है। लेकिन हाँ, यदि आपको मेरी रिकमेंडेशन चाहिए तो देरी किस बात की, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके अभी के अभी मेरा क्लाइंट बन जाइएगा महोदय।